कभी बॉलीवुड ही नहीं देश तक छोड़कर चली गई थी मीनाक्षी शेषाद्री, अब दिखती हैं ऐसी। ग्लैमर का रंग कुछ ऐसा होता है कि एक बार जब कोई इसके रंग में रंग जाए तो फिर बड़ी ही मुश्किल से यह रंग उनके मिजाज से उतरता है। जरा सोचिए उस एक ड्रेस के बारे में जिसका कभी जलवा रहा हो, हर तरफ जिसके चर्चे रहे हो, सभी सुपरस्टार्स जिसके साथ काम करना चाहते हो और जो अपने टाइम पे बिल्कुल टॉप पर रही हो। एक दिन सबसे खुद को काट कर बॉलीवुड ही नहीं देश तक छोड़ दे तो यह कोई रहस्य ही तो है। हम बात कर रहे हैं अपने दौर की जबरदस्त एक ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री की। मीनाक्षी 18 साल की उम्र में फिल्मों में आई और सुपरहिट हीरोइन बन गई। 15 साल तक सिल्वर स्क्रीन इस दामिनी की दमक से चक्का चौंध रहा, मगर साल 1996 में अचानक उनकी लाइफ में कोई आया और ये चेहरा फिल्मी दुनिया से गायब हो गया। मीनाक्षी ने दामिनी, हीरो और घातक जैसी फिल्मों में जबरदस्त एक्टिंग कर यह साबित कर दिया था कि अभिनय सिर्फ खूबसूरती का मोहताज नहीं। अगर आप में एक्टिंग टैलेंट है और आप साधारण भी दिखती हैं तो भी आपको बॉलीवुड में पहचान मिल सकती है। मीनाक्षी एक बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक बेहतरीन डांसर भी थी। उनकी गिनती बॉलीवुड की बेहतरीन क्लासिकल डांस करने वाली एक्ट्रेसेस में की जाती थी। उन्होंने लगभग हर बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ काम किया। एक्टर में भी अमिताभ बच्चन से लेकर विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, अनिल कपूर जैसे बड़े स्टार्स उनके हीरो रहे। कभी अपनी खूबसूरती से सबको दीवाना बना लेने वाली यह एक्ट्रेस आज कैसी दिखती हैं, यह आप नीचे की इस तस्वीर में देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं मीनाक्षी जब 17 साल की थी तभी वे मिस इंडिया चुनी गई थी। तब वो शशिकला शेषाद्री के नाम से जानी जाती थी। मिस इंडिया बनने के बाद अखबार में उनकी फोटो छपी और जब उस तस्वीर पर मनोज कुमार की नजर पड़ी तभी उन्होंने तय कर लिया कि उनकी आने वाली फिल्म पेंटर बाबू की हीरोइन वही होंगी और बिना स्क्रीन टेस्ट के मीनाक्षी को इस फिल्म में साइन कर लिया गया। बस एक अड़चन थी शशिकला का नाम, क्योंकि इस नाम की एक हीरोइन पहले से थी। तब तय हुआ कि इस शशिकला को बॉलीवुड की दुनिया मीनाक्षी शेषाद्री के नाम से जानेगी। लेकिन पेंटर बाबू बुरी तरह फ्लॉप रही और इस बात से मीनाक्षी का हिंदी फिल्मों से मोहभंग भी हो गया। वो बॉलीवुड छोड़ने का मन बना चुकी थी, लेकिन तभी शोमैन सुभाष घई अपनी फिल्म हीरो के लिए हीरोइन की तलाश में जुटे थे और उनकी ये तलाश मीनाक्षी पर आकर ठहर गई। इस रोल के लिए मीनाक्षी तैयार नहीं थी, लेकिन सुभाष घई ने उनसे काफी रिक्वेस्ट की और बड़ी मिन्नतों के बाद मीनाक्षी फिल्म में काम करने को राजी हुई और फिर रचा गया पहले पर्दे पर फिल्म हीरो का ऐतिहासिक अफसाना। साल 1983 में रिलीज हुई हीरो ब्लॉकबस्टर साबित हुई। मीनाक्षी शेषाद्री रातों रात स्टार बन गई। कामयाबी का पैमाना ये था कि 32 साल पहले हीरो ने बॉक्स ऑफिस पर 13 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। उस दौर में सिर्फ अमिताभ बच्चन की फिल्में ही इतनी कमाई कर पाती थी। जल्द ही मीनाक्षी अमिताभ के साथ काम करने लगी। अमिताभ और मीनाक्षी की जोड़ी पर्दे पर सुपरहिट रही। शहनशाह के बाद दोनों ने गंगा जमुना सरस्वती, तूफान और अकेला भी साथ साथ की। अमिताभ के साथ ने मीनाक्षी का करियर चमका दिया। 80 के दशक में श्रीदेवी के स्टारडम को टक्कर देने वाली मीनाक्षी अकेली हीरोइन थी। स्टारडम के उस दौर में मीनाक्षी एक डायरेक्टर की दीवानगी से डरने लगी थी। उस डायरेक्टर की सफलता का दरवाजा भी मीनाक्षी की खूबसूरती ने ही खोला था। 22 जून 1990 को बड़े पर्दे पर आई मीनाक्षी की घायल। कहा जाता है घायल के दौरान डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को अपनी हीरोइन से इश्क हो गया। राजकुमार संतोषी कई फिल्मों में मीनाक्षी को ही बतौर हीरोइन साइन कर चुके थे। मीनाक्षी ने राजकुमार संतोषी की मोहब्बत को कबूल नहीं किया, लेकिन उनकी फिल्मों में काम करना जारी रखा। घायल के बाद दामिनी मीनाक्षी के करियर की सबसे अहम फिल्म साबित हुई। इस वक्त तक मीनाक्षी अपने करियर के टॉप पर थी, लेकिन एक फैसला उनके लिए घातक साबित होने वाला था। साल 1996 में आई घातक मीनाक्षी की आखिरी यादगार फिल्म है। इसी फिल्म के दौरान मीनाक्षी को पहली बार प्यार हुआ। फिल्मी पार्टी में एक सहेली ने मीनाक्षी को किसी से मिलवाया। वो अजनबी मीनाक्षी का सबसे जिगरी बन गया और मीनाक्षी फिल्मी दुनिया की चक्का चौंध से दूर चली गई। मीनाक्षी ने फिल्में करनी छोड़ दी। साल 1995 में ही मीनाक्षी ने अमेरिका में रहने वाले इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर से शादी कर ली थी। मीनाक्षी की शादी का सस्पेंस ऐसा था कि कहा जाता है कि उनके परिवार के लोगों को भी इसकी जानकारी बाद में हुई। शादी के बाद मीनाक्षी ने अमेरिका में बसने का फैसला कर लिया। मीनाक्षी मुंबई छोड़ टेक्सास चली गई और फिर कभी फिल्मी दुनिया की तरफ मुड़कर नहीं देखा। कभी कभी वो इंडिया आ जाती हैं, लेकिन उनका फिल्मी दुनिया से दूर हो जाना आज भी एक रहस्य बना हुआ है।
तमिल परिवार की मीनाक्षी धनबाद के सिंदरी में पैदा हुई। दिल्ली में पली बड़ी, मुंबई में काम किया और शादी कर अमेरिका चली गई। अमेरिका में भी मीनाक्षी ने डांस के शौक को नहीं छोड़ा है। बचपन से क्लासिकल डांसर रही मीनाक्षी ने अमेरिका के टेक्सास में डांस ट्रेनिंग स्कूल खोल लिया है और सबको डांस सिखा रही हैं। अच्छी बात यह भी है कि मीनाक्षी वहां के तमाम भारतीयों के बीच काफी पॉपुलर हैं।